नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अन्य नाम वाले जातक जैसे नीतीश, निकेश या इसके अलावा और भी लोग होंगे। तो अन्य नाम वाले जातक एवं के नाम वाले जातक जैसे क्रांति, कमला, कमलेश या इसके अलावा और भी लोग होंगे। तो एन नाम वाले जातक एवं के नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो कैसा रहेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में बेसिक बाबा को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो भी अन्य नाम वाले जातक होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। दोस्तों, अन्य नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद शांत होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने दाम्पत्य जीवन या अपने प्रेम जीवन को रोमांटिक बनाने का प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं। वैसे यदि के नाम वालों की बात करें तो के नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं। हमेशा अपने जीवन में, अपने जीवन के यात्रा में नए नए लोगों से मुलाकात करना, नए नए लोगों से दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं एवं ऐसे समय में, ऐसे हालात में इन दोनों के बीच में जो बंधन बनता है उसमें बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा समस्या होती है। दोस्तों, एन नाम वाले जातक एवं के नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में सारी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा वो सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे रहेगा, यानी कि सामान्य भी नहीं रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में बेसिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हों सभी लोग वीडियो देखें एवं अपने आपसी जीवन के बारे में सारी बातें पता कर सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।